भारतीय राजनीति की प्रखर वक्ता और कुशल नेता, ऐसा रहा सुषमा स्वराज का सफर। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स में निधन हो गया। वह 70 साल की थी। वह काफी वक्त से बीमार चल रही थी। बीजेपी के कद्दार नेता, एक प्रमुख वक्ता के अलावा सुषमा स्वराज का राजनीतिक जीवन काफी शानदार रहा है। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अलमबाग कैट में जन्मी सुषमा स्वराज के पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अहम सदस्यों में शुमार थे। उनके माता पिता का संबंध पाकिस्तान के लाहौर स्थित धर्मपुरा इलाके से था। अम्बाला कैट के सनातन धर्म कॉलेज ने उन्होंने संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। युवावस्था से ही सुषमा स्वराज एक अच्छी वक्ता रही है। हरियाणा के लैंग्वेज डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित राजकीय प्रतियोगिता में उन्होंने लगातार 3-4 बार बेस्ट हिंदी स्पीकर का अवार्ड अपने नाम किया था। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सुषमा स्वराज की कुछ खास बातें। एबीवीपी से शुरू किया था पॉलिटिकल करियर। साल 1970 में सुषमा स्वराज ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। उनके पति स्वराल कौशल से सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़े हुए थे। और सुषमा स्वराज साल 1975 में फर्नांडिस की लीगल डिफेंस टीम का हिस्सा बन गई। इससे पहले 1973 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गई और धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। जुलाई 1977 में वह देली लाल की अगुवाई वाली जनता पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री बनी। उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल ही थी। इस लिहाज से वह विधानसभा की सबसे युवा सदस्य थी। इसके बाद वह 1987 से 1990 तक हरियाणा की शिक्षा मंत्री भी रही। 27 साल की उम्र में सुषमा स्वराज को जनता पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री। सुषमा स्वराज ने 1990 को राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। इसके बाद 1996 में वह दक्षिण दिल्ली में क्षेत्र की सांसद चुनी गई। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। अक्टूबर 1998 में उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई और सुषमा स्वराज ने दोबारा राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की, जब 7% में मार्जिन से हार गई थी सुषमा स्वराज। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 1999 में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक की बिल्लोरी सीट से उतारा। उन्होंने चुनाव प्रचार में लोगों को कन्नड़ में संबोधित किया और सिर्फ 12 दिन के चुनाव प्रचार में उन्हें 3,58,000 वोट मिले। लेकिन वह सोनिया गांधी से महज 7% वोट से ही हार गई थी। मोदी सरकार में बनी विदेश मंत्री। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया गया। पीएम मोदी की विदेश नीति को लागू कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र में उनके भाषण की काफी तारीफ हुई थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। सुषमा स्वराज 7 बार सांसद और 3 बार विधायक रही है। स्वराज कौशल से की शादी। जी हाँ दोस्तों, जब सुषमा स्वराज ने स्वराज कौशल से शादी की थी, 13 जुलाई 1975 को स्वराज कौशल से सुषमा स्वराज ने शादी की। दोनों को करीब लाने में आपातकाल का बड़ा हाथ रहा। दोनों उसी दौरान एक दूजे के करीब आए। दोनों की एक बेटी बांसुरी है, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उम्मीद है दोस्तों, सुषमा स्वराज की ये सारी जानकारी और ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी। और इन सारी बातों से हमने आपके साथ शेयर किया है सुषमा स्वराज का जिंदगी का सफर।